हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों आज हम VNSGU के FY के सिलेबस की बात करेंगे। VNSGU में FY इंग्लिश में स्पेक्ट्रम बुक है। उसमें फर्स्ट सेम में जो ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ पोएट्री के रहेंगे। तो पोएट्री के क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे और कितने लिखने हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको कोई भी 5 लिखने हैं। ये मैक्सिमम आपके जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस दिए रहते हैं टेक्स्ट बुक में उसी में से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये तीनों कविता जो फर्स्ट सेम में है, सोनेट 116 बाय शेक्सपियर, दूसरी है स्टिल आई राइज बाय माया एंजेलो, और तीसरी कविता है All Things Will Die by Sir Alfred Tennyson। ये तीनों कविताओं के क्वेश्चंस और आंसर्स हम अभी देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस और आंसर्स की ओर। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज शेक्सपियर मीन बाय लव इज नॉट टाइम्स फूल। शेक्सपियर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं जब वो कहते हैं लव इज नॉट टाइम्स फूल, यानी कि प्रेम जो है वो समय के हाथों की कठपुतली नहीं है। According to Shakespeare, love is not time's fool. Shakespeare कहते हैं, प्रेम समय के हाथ की कठपुतली नहीं है, means it is not at the mercy of time, यानी ये समय की मर्जी से नहीं चलता। With the passage of time, beauty loses its charm. जैसे जैसे समय गुजरता जाता है सुंदरता अपना प्रभुत्व खो देती है, यानी beauty अपना charm गवा देती है। Physical beauty falls within the range of time's curved blade. Physical beauty जो है, शारीरिक सुंदरता जो है, वो time's curved blade, यानी यहाँ पे curved blade जो लिखा है, वो हम समझ सकते हैं कि घड़ी के कांटे। Physical beauty falls within range of time's curved blade, यानी सुंदरता जो है, वो घड़ी के कांटों के दायरे में आती है। But love never alters with it, पर जो प्रेम होता है वो समय के साथ कभी नहीं बदलता। अल्टर यानी बदलना। लव बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता है प्रेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बनता ही जाता है। देयरफॉर इट इज नॉट टाइम्स फूल, और इसीलिए बोला गया है कि ये टाइम्स फूल नहीं है, यानी समय के हाथों की कठपुतली नहीं है। व्हाई डज शेक्सपियर कंपेयर ट्रू लव टू अ लाइट हाउस। शेक्सपियर ट्रू लव को लाइट हाउस क्यों बताते हैं और उसके साथ क्यों कंपेयर करते हैं। हियर शेक्सपियर एक्सप्लेन्स दैट, यहाँ पे शेक्सपियर बताते हैं, लाइट हाउस इज नेवर शेकन इवन इन अ स्टॉर्मी विंड। जब तूफानी पवन हो, स्टॉर्मी विंड हो, तब भी लाइट हाउस जो है वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। इट इज नेवर शेकन। इट्स पर्पस इज टू गाइड सेलर्स। इसका मूल हेतु क्या है कि सेलर्स यानी जो नाविक होते हैं उनको गाइड करना। एंड इट सॉल्व्स द पर्पस, और ये वही पर्पस को सॉल्व करता है विदाउट फेलियर, कभी भी फेल हुए बगैर। इन द सेम वे, इसी तरीके से लव टू नेवर फेल्स, प्रेम जो होता है वो भी कभी फेल नहीं होता। इन गाइडिंग पीपल, लोगों को गाइड करने में, टू बिकम मोर एंड मोर मैच्योर एंड सेंसिबल, ताकि लव लोगों को इतना गाइड करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मैच्योर बनते जाते हैं और ज्यादा सेंसिबल बनते जाते हैं, यानी उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। व्हाट इज द सेंट्रलाइज्ड आइडिया ऑफ द पोएम सोनेट 116। पोएम जो है सोनेट 116, उसका सेंट्रलाइज्ड आइडिया क्या है, या फिर इसी क्वेश्चन को अलग हिसाब से पूछा जाए, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लव विथ रेफरेंस टू सोनेट 116, या फिर सोनेट 116 को रेफरेंस बनाते हुए बताइए कि नेचर ऑफ लव क्या है। द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ सोनेट 116 इज द क्वालिटी ऑफ लव। सोनेट 116 जो है उसकी मेन थीम या फिर सेंट्रल आइडिया क्या है, क्वालिटीज ऑफ लव और द नेचर ऑफ लव, यानी प्रेम की प्रकृति क्या होगी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के मत के हिसाब से, ट्रू लव इज इटर्नल एंड अनचेंजिंग। ट्रू लव जो है वो इटर्नल है
यानी शाश्वत है, अनचेंजिंग, कभी न बदलने वाला है। इट डज नॉट फेड अवे विद टाइम, वो समय के साथ बदलता नहीं है। इनफैक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम लवर्स डेवलप ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है लवर्स में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। दैट मेक्स लव स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, जिससे प्रेम और भी गहरा बनता है। दस नेचर ऑफ लव इज अनशेकेबल एंड इटर्नल। तो हम कह सकते हैं कि प्रेम का जो नेचर यानी प्रेम की जो प्रकृति है वो कैसी है, अनशेकेबल यानी अचल है और शाश्वत है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द पोएट व्हेन ही सेज बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। जब पोएट बताते हैं कि बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, तो वो क्या कहना चाहते हैं। डिस्क्राइबिंग द क्वालिटीज ऑफ लव, प्रेम की क्वालिटीज को बताते हुए शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर कहते हैं, लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स। लव इज नॉट लव, प्रेम वो प्रेम है ही नहीं, विच अल्टर्स जो बदल जाए, व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स जब उसे बदलाव मिले, यानी जब कोई ऑप्शन मिले और प्रेम बदल जाए तो वो प्रेम होगा ही नहीं। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, यानी कोई बदलाव आए या फिर बदलने वाला आ जाए और प्रेम बदल जाए, प्रेम अपने दूसरे ऑप्शन को पसंद कर ले, तो शायद वो प्रेम था ही नहीं। इट मीन्स लव नेवर वीकन्स और चेंजेस व्हेन अदर्स ट्राई टू बैंड और अल्टर इट। इसका मीनिंग ये होता है कि प्रेम कभी वीकन नहीं होता। वीकन होना यानी मजबूर होना। लव कभी भी किसी के सामने मजबूर नहीं होता, वो वीक नहीं होता और वो कभी बदलता भी नहीं है, चेंज नहीं होता है। When others try, जब भी दूसरे लोग others try to bend or alter it, इसे बदलाने की कोशिश करें, तो प्रेम बदलता नहीं है, उतना वीक नहीं होता प्रेम। तो दोस्तों यहां तक पहले जो चार ब्रीफ क्वेश्चंस और उसके आंसर हमने देखे वो थे सोनेट 116 के। अभी हम दूसरी जो कविता है स्टिल आई राइज उसके बारे में पढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन, What does the poet mean when she says, you may shoot me with your words? Poet क्या बताना चाहती है जब वो बताती है कि you may shoot me with your words, तुम मुझे अपने शब्दों से मार सकते हो। This poem is written with Maya Angelou herself as the speaker. ये poem Maya Angelou खुद एक speaker है और वैसे ही लिखी गई है। She represents African Americans. वो अफ्रीकन अमेरिकन को रिप्रेजेंट करती है, हु सफर्ड मच बिकॉज ऑफ स्लेवरी, जिन्होंने गुलामी की वजह से बहुत पीड़ाएं सहन की थी। नाउ दे हैव ओवरकम द पास्ट फुल ऑफ पेन, आज उन्होंने अपना जो फुल ऑफ पेन यानी दुखदाई इतिहास जो था वो भुला चुके हैं, उनके ऊपर जीत हासिल कर ली है उन्होंने। टिल आई राइज is about overcoming oppression. Still I Rise जो कविता है वो overcome करना यानी जीत हासिल करना oppression, oppression यानी cruelty पे, यानी जो African American community पे जो भी problem हुआ करते थे, उनको गुलामी में रखा गया था, slavery में रखा गया था, तो वो जो cruelty थी उसके ऊपर कैसे उन्होंने overcome किया। With grace and pride, बहुत ही अच्छे से और pride यानी गर्व से, यहाँ पे वायलेंस की बात नहीं हो रही है, ग्रेस और प्राइड से उन्होंने ओवरकम किया है स्लेवरी को। हैविंग नो सिंपैथी फॉर ऑपरेशर्स, यहाँ पे माया एंजेलो बता रही है, और वो भी ऑपरेशर्स यानी उनके ऊपर आज तक जिन्होंने जुल्म किया वो सब लोगों के ऊपर बिना सिंपैथी रखे, यानी उसके ऊपर कोई भी दया भाव न रखते हुए वो बताती है। क्या बताती है? You may shoot me with your words. आप चाहे मुझे अपने शब्दों से मारने की कोशिश करें। It means you can use any words to hurt or belittle me. आप चाहे कितने भी शब्द प्रयोग करें मुझे हर्ट करने के लिए या फिर मुझे नीचा दिखाने के लिए। Belittle यानी नीचा दिखाना। I will not stop and still I rise. मैं रुकूंगी नहीं और आगे ही बढ़ती जाऊंगी, ऊपर ही उठती जाऊंगी। Why does the poet use the words dust and dirt? Poet, dust and dirt
ये वर्ड्स क्यों यूज करते हैं. हियर माया सेज, यहां पे माया एंजेलो बता रही है, यू मे ट्रॉड मी इन द वेरी डर्ट. दोस्तों डर्ट का मीनिंग होता है धूल, मिट्टी, पर जो मिट्टी में यानी जमीन से जुड़ी हो वही डर्ट होती है, और जो धूल हवा में उड़ रही हो उसको हम डस्ट बोलते हैं. तो माया यहाँ पे बताती है कि आप मुझे कितना भी चाहे डर्ट में मिलाने की कोशिश करो, फिर भी मैं अगर धूल बना दोगे तो मैं धूल भी हवा में उड़ने वाली रहूंगी, यानी डस्ट बनूंगी, डर्ट तो नहीं रहूंगी. यू मे ट्रॉड मी इन द वेरी डर्ट, आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप मुझे डर्ट यानी मिट्टी में मिलाने की कितनी भी कोशिश करें. ट्रॉड यानी पैरों तले रौंद देना, ट्रॉड यानी पैरों तले रौंदना. तो आप मुझे पैरों से रौंद के मिट्टी में मिलाने की कोशिश क्यों ना करें. बट स्टिल लाइक डस्ट आई विल राइज, पर फिर भी धूल की माफिक मैं ऊपर उठ जाऊंगी. इट मीन्स द ऑपरेशंस में ट्राई एनी हाउ टू हर्ट और हार्म और बिलिटल हर. तो यहाँ पे माया कह रही है कि ऑपरेशंस यानी उनको गुलाम रखने वाले लोग जो थे वो कितनी भी कोशिश कर ले उसको हर्ट करने की, हार्म करने की या फिर नीचा दिखाने की. यहाँ पे हर, तो माया किसको रिप्रेजेंट करती है, द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी, वो कम्प्लीटली पूरी कम्युनिटी की बात कर रही है. ठीक है, तो कितना भी कोशिश कर ले वो लोग नीचा दिखाने के लिए, शी विल राइज लाइक डस्ट, फिर भी वो धूल की माफिक ऊपर उठ जाएगी. इवन दो ट्रॉडन, ट्रॉडन मीन्स ट्रैम्पल्ड इन द वेरी डर्ट, चाहे कितना भी आप उसे मिट्टी में मिला दो, पैरों तले रौंद डालो. व्हाट इज द राइम स्कीम यूज्ड इन द पोएम स्टिल आई राइज. राइम स्कीम यानी जो आखिरी वाले शब्द रहते हैं कविता के, उनमें प्रास बैठना, उसमें राइमिंग होना. ठीक है, तो राइम स्कीम क्या है स्टिल आई राइज की. द पोएम डज नॉट फॉलो अ प्रॉपर राइम स्कीम, यह कविता कोई भी प्रॉपर राइम स्कीम को फॉलो नहीं करती. बट द फर्स्ट सेवन क्वाट्रेन्स, क्वाट्रेन्स यानी जो चार लाइन के स्टांजा रहते हैं उसको क्वाट्रेन बोलेंगे. तो यहाँ पे जो पहले सात क्वाट्रेन हैं, पहले सात चार चार लाइन वाले स्टांजास जो हैं, फॉलो ए बी सी डी, चारों शब्द अलग हैं लास्ट वाले. कविता में चारों लाइन के आखिरी वाले शब्द अलग हैं, इसीलिए कोई राइम स्कीम है ही नहीं. पर अगर इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये जो सातों स्टांजा हैं वो ए बी सी डी राइम को फॉलो करते हैं, वाइल एट एंड नाइन स्टांजास, जबकि आठ और नौ नंबर के जो स्टांजास हैं वो क्वाट्रेन नहीं है, वो सेस्टेट है. सेस्टेट यानी छह लाइन का जो स्टांजा रहता है वो. एंड दे रफली फॉलो ए बी ए बी सी सी राइम स्कीम, तो वो ए बी ए बी और सी सी राइम स्कीम को फॉलो करते हैं. माया एंजेलो कंपेयर्स हरसेल्फ विद ब्लैक ओशन, व्हाट शी वांट्स टू रिप्रेजेंट. माया एंजेलो खुद को ब्लैक ओशन बताती है या फिर ब्लैक ओशन के साथ खुद को कंपेयर करती है. यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है. माया एंजेलो कंपेयर्स हरसेल्फ विद अ ब्लैक ओशन, वो अपने आप को ब्लैक ओशन के साथ डेफिनेटली कंपेयर करती है. हियर ब्लैक ओशन मींस कम्युनिटी ऑफ ब्लैक पीपल, यानी जो नीग्रो हैं अमेरिका के, तो कम्युनिटी ऑफ ब्लैक पीपल उनकी बात कर रही है. हु फाइनली गॉट रीड ऑफ स्लेवरी, जिन्होंने स्लेवरी के ऊपर हाल ही में जीत हासिल की है या फिर जिन्होंने स्लेवरी पे जीत हासिल की है. इनफैक्ट ब्लैक ओशन रिप्रेजेंट्स द होल अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी, यहाँ पे ब्लैक ओशन मीन्स पूरी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी. व्हाट मेक्स स्टिल आई राइज इंस्पायरिंग एंड टाइमलेस, क्या चीजें स्टिल आई राइज को इंस्पायरिंग एंड टाइमलेस बना देती है. स्टिल आई राइज शोज हाउ टू ओवरकम प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ और रेसिज्म और क्रिटिसिज्म. स्टिल आई राइज क्या बताती है, हाउ टू ओवरकम, कैसे जीत हासिल करें प्रॉब्लम्स जो है लाइफ के, प्रॉब्लम्स जो होते हैं लाइफ के उसके ऊपर, रेसिज्म यानी जो आपके साथ वंशीय जातीय भेदभाव होते हैं वो, देन क्रिटिसिज्म यदि कोई आपकी निंदा करता है. जस्ट बाय स्टेइंग स्ट्रॉन्ग, तो आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, आपको
मजबूत बने रहना है, आपको किसी के सामने झुकना नहीं है. माया इज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन हु मेंशन स्लेवरी विच वॉज द पेनफुल पास्ट फॉर हर कम्युनिटी. माया एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी है और वो स्लेवरी को मेंशन कर रही है यहाँ पे, और स्लेवरी जो है वो पर्टिकुलरली निग्रो के लिए पेनफुल पास्ट रहा था. तो द पोएम शोज हाउ दे फॉट, तो यहाँ पे कविता क्या बता रही है, हाउ दे फॉट कि वे कैसे लड़े. टू ड्राइव दिस इविल अवे, ड्राइव अवे मीन्स निकाल फेंकना, इविल यानी ये दूषण जो स्लेवरी का दूषण था उसको कैसे उन्होंने लड़के निकाल फेंका फ्रॉम दी सोसाइटी यानी समाज से. दस वी कैन से दैट स्टिल आई राइज इज रियली एन इंस्पायरिंग एंड टाइमलेस पोएम. तो हम कह सकते हैं स्टिल आई राइज एक रियली इंस्पायरिंग एंड टाइमलेस पोएम. Why does the poet ask questions in Still I Rise? Still I Rise कविता में poet जो है वो बार बार questions क्यों पूछ रही है? By asking questions, the poet has emphasized on her qualities. Emphasize करना यानी किसी बात पे stress देना, किसी बात पे वजन रखना, या फिर अपनी बात को थोड़ा वजन के साथ present करना. By asking questions, the poet has emphasized on her qualities which she possesses or which she has. Obviously, the oppressors don't like these qualities. बहुत ही obvious बात है, जो oppressors यानी आज तक जिन्होंने गुलाम बनाया था वह चाहते नहीं कि गुलाम यानी जो African American community वो इतना आगे बढ़े. तो oppressors ये quality को चाहते नहीं है, don't like these qualities. As they make the poet stronger and stronger, क्योंकि ये जो qualities हैं, ये सारी qualities poet को stronger and stronger बनाती जा रही है. In fact, the questions in the poem show the low thinking and poor mentality of the oppressors. In fact, हम देख सकते हैं कि माया ने अपनी कविता में जितने भी questions पूछे हैं, वह सभी oppressor की low thinking और पुअर मेंटालिटी को दर्शाते हैं. हाउ डज द रिपीटेशन ऑफ द फ्रेज आई राइज अफेक्ट द टोन एंड ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द पोएम स्टिल आई राइज, यानी बार बार फ्रेज रिपीट हो रहा है आई राइज, तो ये कैसे कविता के टोन को और कविता के इम्पैक्ट को दर्शाता है. बाय यूजिंग द फ्रेज आई राइज रिपीटेडली, आई राइज को रिपीटेडली यूज किया है माया ने, तो उसको बार बार यूज करके माया हैज गिवन मोर पावर एंड एम्फसिस टू द मैसेज ऑफ द पोएम. तो जो कविता की मैसेज है, जो कविता का मैसेज है उसको ज्यादा पावर और एम्फसिस दिया है बार बार आई राइज को रिपीट करके. द पोएम कन्वेज द मैसेज टू स्टे स्ट्रॉन्ग, पोएम का एक ही मैसेज है कि आपको स्ट्रॉन्ग बने रहना है. वी शुड नेवर अलाउ एनीवन और एनीथिंग, वी शुड नेवर अलाउ एनीथिंग और एनीवन टू स्टॉप अस फ्रॉम फाइटिंग एंड लिविंग स्ट्रॉन्ग, यानी हमें कभी भी किसी भी वस्तु को या किसी व्यक्ति को, हमें कभी किसी भी वस्तु को या किसी व्यक्ति को अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि वो हमें लड़ने से रोके या स्ट्रॉन्ग बने रहने से रोके. एक्सप्लेन द क्वालिटीज माया एंजेलो हैज डिस्कस्ड अबाउट इन हर पोएट्री. माया एंजेलो ने कौन कौन सी क्वालिटीज के बारे में डिस्कस किया है पोएट्री में, बताइए. इन द पोएम स्टिल आई राइज माया इज स्पीकिंग टू द ऑडियंस ऑफ ऑपरेशर्स. यहाँ पे माया ऑडियंस ऑफ ऑपरेशर्स यानी एक समय पे जिन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन को गुलाम बनाया था, वही आज ऑडियंस में बैठे हैं और माया उनसे बात कर रही है. शी एक्सप्लेन्स हाउ शी हैज ओवरकम रेसिज्म, क्रिटिसिज्म एंड सेक्सिज्म एंड पर्सनल ऑब्स्टिकल्स इन हर लाइफ विथ प्राइड एंड ग्रेस. यहाँ पे माया बता रही है कि कैसे माया ने रेसिज्म, क्रिटिसिज्म, सेक्सिज्म एंड उनकी लाइफ के जो पर्सनल ऑब्स्टिकल्स यानी व्यक्तिगत जो प्रॉब्लम्स थे, वो कैसे प्राइड और ग्रेस के साथ
यानी गर्व से और बहुत ही अच्छे से वो सबको ओवरकम किया है, सबके ऊपर जीत हासिल की है. हियर इन द पोएम, यहाँ पे इस कविता में शी टॉक्स अबाउट हर सेसिनेस. शी टॉक्स अबाउट हर सेसिनेस. सेसिनेस यानी होता है बोल्डनेस, निडरता. देन हॉटिनेस, हॉटिनेस मीन्स सुपीरियोरिटी. सुपीरियोरिटी यानी सबसे परे होना. एंड सेक्सीनेस, एज द चीफ क्वालिटीज विच आर नॉट लाइक्ड बाय द ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स को ये माया की जो चीजें हैं वो पसंद नहीं है, माया की जो क्वालिटीज है वो पसंद नहीं है. तो उनकी क्वालिटीज में क्या है, उनकी बोल्डनेस है, उनकी सुपीरियोरिटी है और उनकी सेक्सीनेस है, तो ये ऑपरेटर्स को पसंद नहीं है. ओके फ्रेंड्स, तो तीसरी कविता है ऑल थिंग्स विल डाई. ओके, अल्फ्रेड टेनिसन की ऑल थिंग्स विल डाई. व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ऑल थिंग्स विल डाई. ऑल थिंग्स विल डाई रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन हैज एन अल्टीमेट थीम ऑफ डेथ. अल्टीमेट थीम डेथ ही है. द पोएम टॉक्स अबाउट फ्लूइडिटी ऑफ लाइफ और एवर चेंजिंग नेचर ऑफ लाइफ. पोएम जो है वो फ्लूइडिटी ऑफ लाइफ यानी बहता हुआ जीवन जो है उसके बारे में बता रही है, या एवर चेंजिंग नेचर ऑफ लाइफ, जीवन जो है उसका नेचर कैसा है, एवर चेंजिंग, वो सदा के लिए बदलता ही रहता है. अकॉर्डिंग टू द पोएट द चेंज इज द कॉन्स्टेंट, जो चेंज है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट है. एंड देयरफॉर लाइफ इज फिल्ड विद स्मॉल डेथ, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो छोटी छोटी मृत्युओं से भरी हुई है. अंटिल द होल ऑफ लाइफ कंप्लीटली डाइज, जबकि हमारा पूरा जीवन मृत नहीं हो जाता या फिर हमारा पूरा जीवन खत्म ना हो जाए, तब तक हम छोटी छोटी मृत्युओं से गुजरते हैं. यानी द पोएम इम्प्लाइज द आइडिया दैट ऑल थिंग्स आर इन फैक्ट कॉन्स्टेंटली डाइंग. तो यहाँ पे पोएम कौन सा आइडिया एक्सप्रेस कर रही है, ऑल थिंग्स आर इन फैक्ट कॉन्स्टेंटली डाइंग, यानी सभी चीजें वो कॉन्स्टेंटली मर रही है. एज दे कंटिन्यू टू लिव, हम बोलते हैं कि कोई जी रहा है पर एग्जैक्टली वो अपनी मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी वो जी रहा नहीं है, वो मर रहा है, वो धीमे धीमे मर रहा है. एक्सप्लेन द लाइन्स, हार्क डेथ इज कॉलिंग. यहाँ पे जो नीचे लाइनें दी हैं कविता की उसको एक्सप्लेन करना है. हार्क, हार्क का मीनिंग होता है लिसन, डेथ इज कॉलिंग, सुनो मृत्यु पुकार रही है. व्हाइल आई स्पीक टू ये, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, द जो इज फॉलिंग, जो हमारा जो है वो गिर रहा है, यानी बातें करते करते लोअर जो जो है वो नीचे हो जा रहा है. रेड चिक पेलिंग, यानी जो लाल या फिर गुलाबी गाल थे, रेड चिक लिखा है, जिसको हम ज्यादातर बोलेंगे कि गुलाबी गाल जो है वो निस्तेज बन रहे हैं. द स्ट्रॉन्ग लिम्स फेलिंग, यानी हमारे हाथ और पांव वो भी फेल हो रहे हैं. लिम्स यानी हाथ और पांव जो होते हैं वो, तो स्ट्रॉन्ग लिम्स फेलिंग, वो वीक होते जा रहे हैं. आइस विद द वार्म ब्लड मिक्सिंग, और हमारा जो गर्म खून था उसमें आइस यानी बर्फ मिल रहा है, यानी गर्म खून जो है वो ठंडा हो रहा है. द आई बॉल्स फिक्सिंग, यानी ये सारी निशानियां या तो कोई आदमी या फिर कोई औरत या फिर कोई भी व्यक्ति बूढ़ा होता है उसकी है, या जब किसी की मृत्यु होती है उसकी, तो ये सारी निशानियां क्या दर्शाती हैं, फिजिकल साइंस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड. दिस लाइंस रिफर्स टू द फिजिकल साइंस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड लीडिंग टू डेथ. ये सभी लाइनें बताती हैं कि कैसे कोई फिजिकली बूढ़ा होता जा रहा है और फाइनली वो मर जाता है, leading to death. As we know, the main theme of the poem is death. जैसे कि हम जानते हैं कविता की main theme जो है वो है death, मृत्यु. Here the poet explains how we grow old. यहाँ पे poet हमें बता रहे हैं कि हम कैसे बुजुर्ग होते जाते हैं, and how our life comes to an end. और कैसे हमारा जीवन खत्म होता जा रहा है, before we finally die. हम बिल्कुल मर जाएं उससे पहले हमारा जीवन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है. इन ऑल थिंग्स विल डाई द वर्ड लॉ रिफर्स टू व्हाट. ऑल थिंग्स विल डाई कविता में जो शब्द यूज किया है LOW, लॉ,
तो वो किस चीज को रिफर कर रहा है? तो ये जो पूरी लाइन है कविता में वो ऐसे है, लेड लो वेरी लो इन द डार्क वी मस्ट लाई, लेड लो वेरी लो इन द डार्क वी मस्ट लाई। दीज लाइन सजेस्ट दैट, ये लाइन क्या बता रही है, वेन वी डाई जब हम मरेंगे, दे विल पुट अवर बॉडी इन अ कॉफिन बॉक्स, कॉफिन या फिर बॉक्स। दीज लाइन सजेस्ट दैट वेन वी डाई जब हम मरेंगे, दे विल पुट अवर बॉडी इन अ कॉफिन बॉक्स, दिस कॉफिन विल बी बरीड अंडरग्राउंड इन अ ग्रेव। और बाद में ये जो कॉफिन होता है उसको अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे, ग्रेव यानी कब्र में छोड़ा जाएगा, रखा जाएगा। तो यहाँ पे लेड लो यानी बहुत ही नीचे रख देना, वेरी लो यानी जितना नीचे रखते हैं वो, 2 गज जमीन के नीचे, 6 फीट नीचे। इन द डार्क अंधेरे में वी मस्ट लाई हमें रहना होगा। तो ये अंधेरा क्यों है, कॉफिन बॉक्स की वजह से। जब आपको कॉफिन बॉक्स में रखा जाता है बॉडी को, डेड बॉडी को, तो अंधेरे में हमें रहना पड़ेगा, ऐसा कवि बता रहे हैं। हियर लो और इन द डार्क मीन्स द ग्रेव और अंडरग्राउंड, यानी लो या फिर इन द डार्क का मीन क्या होगा, ग्रेव यानी कब्र या फिर अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे रहना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी क्वेश्चन और आंसर समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।